नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है, जिसके करोड़ों भक्त बने, लेकिन संसार की ताकतवर हुकूमतें उसकी दुश्मन बन गई। लेकिन ये दार्शनिक योद्धा जिस भी राह पर चला, उसने अपने पीछे छोड़ दिया प्रेम और शांति का संदेश, और आज उसे सब ओशो के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज ओशो के उन छुपे हुए रहस्यों के बारे में जिसे आज तक शायद कम ही लोग जानते हैं। ओशो आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उस दौर में उनके करोड़ों फॉलोवर्स थे, उसी तरह आज भी उनके करोड़ों फॉलोवर्स दुनिया भर में उनकी सिखाई बातों को पहुंचा रहे हैं। ओशो को दुनिया में कई नाम से मिले हैं। वो पैदा हुए थे चंद्रमोहन नाम से, लेकिन लोगों ने उसे रजनीश बना दिया। किसी ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया तो उसने खुद को ओशो बना दिया। ओशो के शिष्य ओशो के बारे में कहते हैं कि वो ना कभी पैदा हुए, ना वो कभी मरे, और वो तो बस इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक रहने के लिए आए थे। लेकिन जो इस धरती पर रहा, वो कभी पैदा भी हुआ होगा। ओशो की पूरी जिंदगी दूर से जितनी सुकून और शांति से दिखाई देती थी, उतनी ही विवादों से भरी हुई थी। ओशो के भक्तों का कहना है कि उनके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण था, जो भी उनके पास जाता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। कई ओशो को महान दार्शनिक मानता तो कोई उनके विचारों की वजह से उन्हें सेक्स गुरु की संज्ञा देता है। ओशो ने संभोग से समाधि का मंत्र दिया। उनका मानना था कि इंसान को अपनी इंद्रियों का दमन करके और पूरी तरह से सांसारिक का त्याग करके संन्यास की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि इससे होते हुए आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहिए। पश्चिमी दुनिया में अध्यात्म का व्यापार करने वाले रजनीश उर्फ ओशो ड्रग्स और सेक्स के आदि थे। जी हाँ, ये खुलासा एक समय में ओशो के सबसे प्रिय विश्वास पात्र पीए मां आनंद शीला ने किया। ओशो के ऊपर इस तरह के आरोपों से पहले कई भी लग चुके हैं। रजनीश की शिष्या शीला वडोदरा के भली गांव की थी और अब स्विट्जरलैंड में रहती हैं। अपनी किताब में उन्हें कई जगह ओशो यानी रजनीश की धन और भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा का जिक्र है। हालांकि ओशो के समर्थन शीला पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी किताब के प्रचार के लिए इस तरह की बातें रखी थी। आपको बता दें कि ओशो की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। साल 2018 में आई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में ओशो की अमेरिका के ऑर्गन स्थित आश्रम के बारे में दिखाया गया है। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में रहने वाले कई शिष्यों का इंटरव्यू भी किया गया था, जिसमें एक शिष्य नोवा का जिक्र भी है जो उस आश्रम में रहता था। वो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में दिखाई गई बातों के अलावा और भी बहुत कुछ जानता था, जैसे कि ओशो के आश्रम में बच्चों का जीवन कैसे गुजरा और उन पर उसका कैसा और क्या असर पड़ा। नोवा ने बताया कि वो वहां रहते हुए पढ़ाई तो नहीं बल्कि स्मोकिंग करना जरूर सीख गया था। 6 साल की उम्र में उसने हशीश वाला केक खाया। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में ये दिखाया गया है कि नोवा ने बताया कि उसने ऐसा कुछ तो आश्रम में नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग अजीबोगरीब व्यवहार करते वहां जरूर नजर आए। उनके हंसने का एक तरीका हुआ करता था, जिसके जरिए वो कहते थे कि मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करता हूं। रात में हजारों लोग हंसते हंसते अचानक रोने लगते थे। नोवा ने बताया कि वो उस उम्र में सेक्स के बारे में जानता था। आपको बता दें कि देश और दुनिया से लोग तो ओशो के पास आते ही थे, मगर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजेश खन्ना भी खुद को रोक नहीं पाए और पहुंच गए ओशो की शरण में। यहां तक कि विनोद खन्ना ने अपना घर बार छोड़ दिया था और चले गए थे ओशो की शरण में। आश्रम में खुलेआम सेक्स हुआ करता था, ये इस बात का खुलासा भी नोवा ने बताया है। वो ये कहकर खुद को असली जीवन में भूल जाते थे। वो रहने वाला शख्स अपनी अलग दुनिया बना लेता था। यहाँ सिखाया जाता था कि कैसे बाहरी दुनिया से दूर होकर सांसारिक मोह को छोड़कर खुद की जिंदगी बेहतर बनाई जाती है। आपको बता दें कि 1960 से लेकर 1967 तक उन्होंने पूरा भारत घूमा। उनके लाखों प्रशंसक बने, लेकिन कई दुश्मन भी तैयार हो गए। वजह थी कि वो कभी कम्युनिस्टों को भला बुरा कहते तो कभी गांधी की विचारधारा पर सवाल उठाते। कुछ लोगों को उनके विवाद उनकी काबिलियत ज्यादा चुभने लगी थी। नतीजा 1967 तक आते आते जबलपुर यूनिवर्सिटी ने उनसे नाता तोड़ने का फैसला ले लिया, लेकिन उससे बड़ा फैसला तो खुद प्रोफेसर चंद्रमोहन जैन ले चुके थे। वो फैसला था प्रोफेसर चंद्रमोहन जैन से आचार्य रजनीश बनने का, एक ऐसा फैसला जो अब आने वाले समय में आध्यात्म का एक नया रास्ता खोलने वाला था। लेकिन इसके साथ ही शुरू होने वाला था वो सब जो पूरे देश पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला था। लेकिन इसी तरह आपको बता दें कि अगर संत महात्माओं के आश्रम में लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं तो आध्यात्म की ओर वो ज्यादा चलते हैं।
यानी कि जिस तरह से संत महात्माओं की यहाँ पे बात हो रही है, उस तरह से लोग अपना पूरा जीवन छोड़कर इन आश्रम में बिता लेते हैं और सांसारिक मोह से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ लेते हैं। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट।